बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम को खैर मकदम है। 11वां सबक साया जिसके मुसन्निफ है काजी अब्दुल सत्तार, इसका हिस्सा अव्वल हमने कल की वीडियो में पढ़ा है, आज हिस्सा दुआ पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो मियाँ है उनको पासा खेलने की आदत है, यानी एक तरह का वो जुगाड़ होता है। तो वो पासा वो खेलते हैं और 12,000 रुपये हार जाते हैं, और आगे भी उनकी वो आदत शुरू रहती है पासा खेलने की, और वो क्या क्या हारते हैं वो उसको इस पैराग्राफ में बयान किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। इस साल मियाँ दिवाली में अपना सारा नकद रुपये हार गए तो उनकी खासुल खास तिजोरी खोली गई और उनके और अपने तमाम जेवर गहने खानों में उठवा कर ले गए। फिर तो जैसे झाड़ू फिर गई, गुजरदम दिवाली के देवलों की तरह सब कुछ उजड़ने लगा। आज मुनकिर का नीलाम हो रहे हैं, कल बागात की डगी पीट रही है, फिर मुआ पाकिस्तान बना, भाई भतीजे एक एक करके सब उधर ढुलक गए, और रही सही कसर जमींदारी के खात्मे ने पूरी कर दी। और फिर जो दिवाली आई तो मियाँ ने गढ़ी रहन रख कर बिसात सजाई और हारी। बिसात उठते उठते मियाँ ने अपनी पहाड़ ऐसी जान का बयानामा कर दिया। भाई बिरादर की शर्म थी के छोटे शाह जो अब शाहजी बजने लगे थे उनकी इद्दत तक खामोश रहे, फिर तो डाक बिठा दी। वही रट लगी कि घड़ी खाली कर दो, तब दुर्गा सिंह ने नमक हलाल किया और घड़ी के बाहर मालिक का बख्शा हुआ कच्चा घर उनको पेश किया और खुद अपने बाप भाई के पास उठ गया और 20,000 पर रहन घड़ी में दुनिया और जहान के दफ्तर खुलने लगे। उस दिन कोई कह रहा था कि 800 रुपये महीना सिर्फ किराया आता है और शाहजी फैल फैल कर रहते अलग है, लेकिन उनकी बला से उनकी तकदीर में तो गुंज की दुकानें थी जो मुद्दतों से रुपया महीने पर उठी चली आ रही थी। इसी 40 रुपये में वो एक आधा वक्त की रोटी और 4 वक्त की पान को कसर में पूरी कर लेती थी। फिर किसी तरह से एक ठंडा झोंका आया और उनको पहली बार इल्म हुआ कि बगैर रजाई ओढ़ कर खड़ी है और धूप बूढ़ी होने लगी है, और उन्होंने अपनी मुट्ठी भर हड्डियों को चादर से जैसे दुपट्टे में लिपट लिया और आहिस्ता आहिस्ता कोठरी या कमरे की तरफ चली। तो इसमें बताया गया है कि मियाँ ने पूरा सारा अपना नकद हार गए, और फिर नकद हारने के बाद उन्होंने उनकी खास तिजोरी खोली और मालकिन के पूरे गहने और खुद के भी जो गहने थे वो निकाले, और फिर तो ऐसा हुआ कि वो भी हार गए और एकदम पूरी झाड़ू फिर गई, पूरी तिजोरी खाली हो गई, और सब धीरे धीरे करके पूरी उनकी ज़मीनें जो थी वो भी बागात और थोड़ी बहुत ज़मीन वो भी वो हारते गए। फिर उनके जो भाई भतीजे थे एक एक करके पाकिस्तान जब बना तो वो उधर चले गए, और रही सही ज़मींदारी उनके पास थी वो भी धीरे धीरे उनकी ख़त्म हो गई। फिर तो उनके पास जो घड़ी कहते एक बहुत बड़े यानी कि मकान जैसा होता है, पुराने मकान उसमें दुकानें वगैरह बनी होती है और बहुत बड़ा वो बना होता है, तो वो भी उन्होंने गिरवी में रख दी और वो भी हार गए। और पूरा हार जाने के बाद फिर वो उनकी जान भी चली गई, यानी सब हारने के बाद वो सब ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो उनकी जान भी चल गई, वो मर भी गए। फिर जो शाहजी थे उन्होंने थोड़ी बहुत उनकी शर्म रखी कि शाहजी के पास उन्होंने घड़ी गिरवी रखे थे 20,000 में। फिर 40 दिन भी नहीं हुए थे कि उन्होंने रट लगा दी उनको मरने के, 40 दिन भी नहीं हुए तो शाहजी ने रट लगा दी कि भाई घड़ी खाली करो, ये मेरे पास गिरवी है, या तो पैसा ला के दो घड़ी खाली करो। तब उनका जो सिपाही था उनका नौकर था दुर्गा सिंह, उसने अपना नमक हलाल किया, यानी कि नमक हलाल करना है वफादारी बताना, उसने वफादारी बताई और उसने मालकिन को कहा कि मालकिन जो मियाँ ने मुझे बख्शिश दी थी घर कच्चा घर,
तो आप उसमें रह लीजिए, मैं अपने बाप भाई के पास चला जाऊंगा। और फिर 20,000 पर रहन घड़ी में दुनिया जान के दफ्तर खुलने लगे। यानी फिर उन्होंने शाहजी ने वो घड़ी इनसे ले ली और मालकिन फिर दुर्गा सिंह के घर में रहने लगी। और फिर वो घड़ी में उन्होंने दुकानें भाड़े से दे दी शाहजी ने, और मस्त रहने लगे। और थोड़ी बहुत जो एक दो दुकान इनके पास थी मालकिन के पास, तो वो उसका जो थोड़ा बहुत भाड़ा आता था उससे वो अपने पान वगैरह का और थोड़ा बहुत खाने का गुजारा वो करती थी। डोले में रोटी और रात की तरकारी एल्यूमिनियम के कटोरे से ढकी रखी थी। थोड़ी देर धुंधली सी निगाह उस पर थरथराई, फिर खुला में डूब गई और वो अपनी जुलंगाना बस खटिया के झूले में रजाई ओढ़कर बैठ गई। और मालूम नहीं कब तक बैठी रही थी कि दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता दस्तक होने लगी। वो मंजिल मारकर पहुंची तो दीबी दयाल ने इत्तला दी कि शाहजी हाजिर है। फिर वो कुछ खाने का सालन वगैरह और रोटी वो एल्यूमिनियम के कटोरे में ढकी थी और वो धुंधली सी निगाह पर थरथरा गई और खला में डूब गई। यानी उसको नींद लग रही थी और अपनी जो झूले वाली खटिया थी उसमें रजाई ओढ़कर बैठ गई और मालूम नहीं कब तक बैठी रही। फिर दस्तक आहिस्ता से दस्तक हुई तो फिर वो वहाँ पहुँची, देखा तो दीबी दयाल नित्यलादी के शाहजी हाजिर है। बीबी साहब घड़ी 20,000 पर रहन थी, आप 20,000 कर्जे कर अदा कर दीजिएगा, कल परसों कोई जल्दी नहीं। हाँ, खुशबख्त बहादुर भी कह रहे थे कि कागज़ों पर दस्तखत भी बनवा ली गई है, लेकिन मुझे अकल की मारी को समझ में नहीं आता कि कोई किस बर्ते पर मुझे 20,000 गिनकर सौंप देगा। पानी पर फूली हुई शपक देखने लगी। तो फिर शाहजी और आए कि भाई वो 20,000 रुपये मुझे चाहिए, वरना ये जो घड़ी है मेरे नाम पर कर दो, सब कागजात भी तैयार है, या किसी से कर्जा लेकर मुझे दे दो। तो उसने वही कहा कि अब मुझे इसी को कौन अब कर्जा देगा, है ना, मुझे कौन 20,000 रुपये कर्ज देगा, मेरे पास तो कुछ भी अब बचा नहीं है। इस साल दिवाली पर मियाँ ने अपना तमाम नकद रुपये हार गए तो उनकी खासुल खास तिजोरी खोली गई, जो उनके होश में तीसरी बार और आखिरी बार खोली गई, है ना। जब वो नकद हार गए तो उनकी जो खास तिजोरी खोली गई तो मालकिन कह रही कि मेरे होश के में ये तीसरी बार ये तिजोरी खोली गई। पहली बार जब वो ब्याह कर आई थी तो मियाँ ने अपने मोती उन्हें दिखलाए थे, और फिर दूसरी बार जब सीतापुर के कलेक्टर का खत लेकर एक अंग्रेज़ मोती फरोश मानकपुर आया था, और जब उसके मोती देखकर मियाँ ने खरीदने से इनकार कर दिया तो वो बंदर के बच्चे ने बड़ी तमकनस से कहा कि जी हाँ, ये मोती महंगे भी है। मियाँ के तन बदन में आग लग गई थी और गुस्से में अंदर आए थे और तिजोरी खोल करके दामन में मोती भर ले गए और उसके सामने तख्त पर बिखेर दिए थे और पूछा था कि अगर ऐसा एक मोती भी उसके पास हो, वो उसका 1,000 रुपया मांगे तो भी खरीद लिया जाएगा। और वो बंदर का बच्चा मुंह फैलाए घड़ी से निकल गया था और उनके मोतियों की दूर दूर तक शोहरत हो गई थी। लेकिन उस रात मियाँ पर ना जाने कौन सा भूत सवार था कि मोतियों के अंजूरे भर भर कर दाव पर लगाते रहे और हारते रहे, और मोती हार कर तो जैसे अपना सब कुछ हार गए। तो उन्होंने कहा मालकिन ने कि भाई जब वो तिजोरी खोली गई दिवाली के मौके पर नकद हारने के बाद, तो वो कह रहे कि मेरी ज़िंदगी में तीसरी बार खोली गई। एक बार जब पहली बार जो ब्याह कर आई थी तो मियाँ ने उनको मोती तिजोरी खोलकर को कीमती मोती उनको दिखाए थे, और दूसरी बार जब सीतापुर के कलेक्टर का खत लेकर एक अंग्रेज़ मोती बेचने वाला मानिकपुर आया और जब उसको मोती देखकर मियाँ ने खरीदने से इनकार कर दिया तो वो बंदर के बच्चे ने बड़ी तमकनस से कुदरत से उनको कहा कि जी हाँ, ये मोती महंगे भी है, आप इसको खरीद नहीं सकते। तो मियाँ के तन बदन में उसकी बात सुनकर आग लग गई और वो जोश में गुस्से में आ गए और अंदर आकर तिजोरी खोली और पूरे मोती अपने दामन में भरकर ले गए और वो अंग्रेज़ के बच्चे के सामने वो तख्त पर बिखेर दिया और पूछा कि अगर ऐसा एक भी मोती उसके पास हो तो वो एक मोती का 1,000 मांगे तो भी खरीद लिया जाएगा। फिर वो बंदर का बच्चा वहाँ से घड़ी में से निकल गया, वो देखकर भाग गया वहाँ से।
और फिर उनके मोतियों की दूर दूर तक शोहरत होने लगी। लेकिन ना जाने मियाँ पर क्या भूत सवार था, तो उन्होंने मोती भर भर कर दाव पर लगाते रहे और मोती हार गए और अपना सब कुछ हार गए। बाग, ताल, जंगल, बाजार, गांव, गराव बस हारते रहे। फिर हुआ पाकिस्तान बना और भाई भतीजे बहन सब उधर ढलक गए और ढंडार गढ़ी में कौवे हराती रही। फिर ज़मींदारी ख़त्म हुई और बॉन्ड बेच बेच कर मियाँ बिसात सजाते रहे। लेकिन तकदीर ऐसी फिरी के पासा कभी सरखुरु ना हुआ और उससे अगली दिवाली पर घड़ी की नौबत आ गई। मियाँ ने 20,000 पर रहन रख दिया। कोई कह रहा था कि घड़ी में जो दफ्तर खुले हैं उन्हें किराया 400-500 रुपये महीने आता है और मुद्दतों से रूठी हुई तकदीर उस दिन भी रूठी रही। तो फिर मियाँ ने सब मोती भी हार गए और अपने पास जितना भी था बाग, ताल, जंगल, बाजार, गांव सब हारते गए। और फिर पाकिस्तान बना और फिर भाई भतीजे उनके उधर चले गए। ये पिछले पैराग्राफ में भी ये बात आई थी। फिर ज़मींदारी ख़त्म हुई और फिर उन्होंने बॉन्ड जो बनाते ज़मीन का, वो बॉन्ड बेच बेच कर मियाँ ने पूरी बिसात सजाते रहे। लेकिन तकदीर ने फिर तकदीर ऐसी कि फिर कभी फिरी नहीं, उनके पासा कभी सुरखुरु नहीं हुआ, उनको जीत हासिल नहीं हुई और इससे अगली दिवाली पर घड़ी की नौबत आ गई। मियाँ ने 20,000 में रहन रख दिया, यानी उनके पास जितनी भी वो मकान थे पुराने वो सब उन्होंने गिरवी रख दिया 20,000 रुपये में। तो कोई कह रहा था कि घड़ी में जो दफ्तर खुले हैं ऑफिस है उनका किराया 500 रुपये महीना आता है और मुद्दतों से रूठी हुई तकदीर उस दिन भी रूठी रही। रात मियाँ घड़ी हारे और सुबह पहाड़ ऐसी जान का बयाना हो गया। जनाजा उठते ही त्योहारी लाल के पैगाम आने लगे और चहलुम होते होते जैसे डाक बिठा दी। यानी वो सब हार जाने के बाद, ये पिछले पैराग्राफ में भी हमने पढ़ा कि मियाँ की जान भी चली गई और चहलुम आते आते डाक बिठा दी और जो तिवारी लाल का पैगाम आने लगे कि भाई ये सब खाली करो, वही एक रट के घड़ी खाली कर दो, यानी घड़ी उनको खाली करने का कहने लगे क्योंकि वो 20,000 में गिर भी थी। भाई बिरादरी से कहलवाए कि मियाँ इद्दत के दिन गुजार ले, फिर घड़ी तो खाली हो जाएगी। अरे खाली बोतल घड़ी में पड़ी रहे या घड़िया में फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन वो शाहजी को ना मानना था ना माने, तो उनको बार बार कह रहे थे, उनसे कहा गया कि भाई इद्दत के दिन उनको पूरा करने दो फिर घड़ी खाली हो जाएगी। तो शाहजी कह रहे कि खाली बोतल है, यानी वो बूढ़ी हो गई थी, शोहर भी नहीं था, तो उनको एक खाली बोतल से तस्बीह दी कि खाली बोतल है घड़ी में पड़ी रहे या घड़िया में फ़र्क क्या पड़ता है। और शाहजी नहीं माने, वो तो भला हो दुर्गा सिंह का कि मियाँ ने मियाँ का नमक हलाल करा और अपनी खिदमत के एवज पाए हुए घर को, घर या घर को जो कुछ भी था कदमों में लाकर रख दिया और खुद बाप भाई के पास बसने को उठ गया। यानी वही पिछले पैराग्राफ में भी ये बात बताई गई कि फिर दुर्गा सिंह ने अपना नमक हलाल किया, वफादारी की और जो घर उनको मालिक ने दिया था रहने के लिए छोटा सा, उसमें मालकिन को, बेवा मालकिन को उसने वो घर अपना दे दिया और वो खुद अपने बाप और भाई के पास जाके रहने लगा। इस तरह उसने अपना नमक हलाल किया। फिर दुर्गा सिंह ने फिर अपनी खिदमत के अवसर पाए वो घर उनको दिया। तो अब ये नई आफत आई है कि इसे भी खाली करो, मालूम नहीं हमारा बुलावा कब आएगा। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की चक्की में अल्लाह मियाँ का वो रजिस्टर जिसमें हमारा नाम भी दर्ज था, फरिश्तों ने कहीं इधर उधर तो कर दिया, तभी तो बैठे हैं पाँव तोड़े हुए। कैसे कैसे जवान जहाँ आए दिन मरते चले जाते हैं, लेकिन हम है कि ना पेट में हाथ है ना मुंह में दांत, मगर जिए चले जा रहे हैं। तो फिर बाद में जो दुर्गा सिंह ने जो घर दिया था रहने का, तो उसको भी खाली करने का हुक्म आया। तो मालकिन अपने आप को कोसने लगी कि अल्लाह मियाँ के रजिस्टर में हमारा नाम कब आएगा, जो अच्छे अच्छे जवान मरते चले जा रहे हैं लेकिन ना हमारे पेट में हाथ है ना मुंह में दांत, फिर भी हम जिए जा रहे हैं। यानी अपने आप को कोसने लगी कि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा, उससे तो मौत अच्छी है। तो हाँ, अब उस जीने के हाथों और किसके घर मरने को चले, यानी अब जीना है तो किसके घर पर मरेंगे कुछ पता नहीं। क्या करे अल्लाह, आज सर्दी है कि हाथ पर जैसे जमे जा रहे हैं, और धूप की पट्टी चटाई की तरह लिपट रही थी और वो अपनी बिसात उठाने की फिक्रों में मुब्तिला थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नया कानून पास हुआ है बीबी के सरकारी बेवा का रहन शुदा मकान वाकजार
कराने के लिए कर दी जाएगी। ये सरकार का हुक्म, सरकार को हम भूले बसरे कैसे याद आ गए। एक राज है बीबी, हाँ कहो। मैं मेरे पास दो दर्जे हैं घड़ी के, एक आपके लिए खाली कर दो और एक मैं पड़ा रहो, जो किराया आप बांधे अदा कर दूंगा, और अगर हुक्म हुआ तो उजड़ जाऊंगा। तो फिर वो बेचारी अपने आप को कोस रही थी कि अल्लाह ने मुझे क्यों जिया, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है और सब कर्जे में है, तो ऐसी ज़िंदगी जीकर मैं क्या करूँ। और फिर वो इतनी सर्दी भी थी उस वक्त, और सर्दी में अपने हाथ पर जैसे उसके जमे जा रहे थे और धूप की पट्टी चटाई की तरफ लिपट रही थी, और वो अपनी बिसात उठाने की फिक्रों में थी, यानी अपनी मौत की फिक्रों में मुब्तिला थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उनको बताया गया कि एक नया कानून पास हुआ है कि जो सरकारी बेवा है उनके जो मकान गिरवी पड़े हैं या तो उसको वापस लेने के लिए सरकार ने हुक्म जारी किया है। तो वो कह रही कि सरकार को हमारी याद अचानक कैसे आ गई। और फिर उसके पास उसको एक किसी ने कहा कि मेरे पास दो दर्जे है घड़ी के, एक आप ले लिए खाली कर दूंगा और एक में मैं पड़ा रहूंगा, जो किराया आप बांधेंगे उसको मैं अदा करता रहूंगा। तो इस तरह अज़ीज़ बच्चों यहाँ पर इस आया सबक मुकम्मल होता है। अब अगली वीडियो में अगले नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।